सुप्रभात, मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 100 विनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा रहा था, उसके दौरान मैंने दो इस आंदोलन के जो प्रारूप हैं, इस चैप्टर का जो भाग है उसमें मैं पहला भाग, दूसरा भाग आपको भेज चुका हूं और इस चैप्टर का तीसरे भाग आज मैं हम पढ़ाने जा रहा हूं। और इस पर हम बात करेंगे कि 100 विनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुए थे तो वो कहाँ से प्रारंभ हुए थे, वो मैं दांडी यात्रा के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज बताऊँगा कि जब 100 विनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद जनाक्रोश को देखते हुए गांधी जी को रिहा करके भारतीयों से फिर से बात करने की बात आई थी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था। और आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, क्योंकि ये गांधी और भारत के महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, इसी को गांधी इरविन समझौता और इसको दिल्ली समझौता, क्योंकि ये समझौता दिल्ली में ही हुआ था इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली समझौता का क्या कारण थे, दिल्ली समझौता कराने में मुख्य भूमिका किनकी थी और दिल्ली समझौता के मुख्य शर्तें क्या थी, फिर दिल्ली समझौता का किन किन भारतीयों ने विरोध किया था और किसने समर्थन किया था, इन तमाम मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। दरअसल गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद भारतीयों में जो जनाक्रोश था और जनाक्रोश को कम करने के प्रयास के अंतर्गत महात्मा गांधी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिया गया और रिहाई के बाद प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीयों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए और भारतीयों के बीच में जो अंग्रेजों का या ब्रिटिश सरकार का छवि बनाया है उसे अच्छा किया जाए, बेहतरीन किया जाए। और इसी का परिणाम था कि गांधी जी को रिहा कर दिया गया और गांधी जी की रिहाई के बाद दिल्ली समझौता कराने सबसे ज्यादा भूमिका किसने निभाया था, वो थे तेज बहादुर शत्रु और उपुल जयकर। ठीक है, यही है दोनों, तेज बहादुर शत्रु और उपुल जयकर ने समझौता करवाया था। और ये जब जेल से रिहाई हुई थी तो दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुआ था और ये वार्ता कब प्रारंभ हुआ था, दोनों के बीच 17 फरवरी 1931 को वार्ता प्रारंभ हुआ था और विधिवत तेज बहादुर शत्रु जयकर के प्रयास से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। जब आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली समझौता किनके किनके बीच हुआ था तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। दिल्ली समझौता करवाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तेज बहादुर शत्रु और उपुल जयकर ने निभाई थी। और यह वार्ता यह समझौता चूंकि दिल्ली में हुआ था और इसीलिए इसको दिल्ली समझौता कहा जाता है। दूसरी बात है, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था, इसका प्रारूप हार्वर्ड इमर्सन ने तैयार किया था। दिल्ली समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था, हार्वर्ड इमर्सन ने किया था। और इस समझौता यानी गांधी इरविन समझौता के कौन कौन से शर्त थे, सबसे पहला शर्त था कि कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं को जो संपत्ति जब्त की गई थी उसको वापस कर दिया गया। दूसरा शर्त था कि सभी अध्यादेश वापस लिए जाएंगे और जो राजनीतिक कैदी जिनके ऊपर संगीन आरोप नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो जिनके ऊपर संगीन आरोप है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तीसरा ये शर्त थी कि गांधी इरविन समझौता में कि कांग्रेस द्वितीय, चूंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और ये सम्मेलन असफल हो गया था, इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे, ये तीसरा समझौता थी।
चौथा था कि जो कांग्रेस नमक कानून को पूर्ण रूप से उन्मूलन की मांग नहीं करेंगे बल्कि वह सामान्य तौर से मांग उठाते रहेंगे, यह भी एक शर्त थी। और विदेशी कपड़ा या विदेशी माल के विरुद्ध बहिष्कार या आंदोलन जारी रहेंगे, लेकिन वह कहा गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इसको विरोध कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता यही था कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने अवश्य जाएंगे। और दूसरा, जितने भी राजनीतिक कैदी जिनको संगीन आरोप थे उनको छोड़ दिया जाएगा, और साथ साथ जितने सरकार ने स्वविनयावज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीयों की संपत्ति जब्त की थी वो संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा, यही था दिल्ली समझौता की शर्त। दूसरी बात है कि जब दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविंग समझौता हो गया तो उस समझौता का किन किन भारतीयों ने विरोध किया और विरोध के कारण क्या थे। समझौते की आलोचना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सबसे ज़्यादा विरोध जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और विरोध क्या क्या कारण बताया। इन्होंने कहा कि गांधी जी इरविंग से समझौता तो कर लिए लेकिन अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य को दरकिनार करते हुए, यही उनका आरोप था जिसके चलते हुए विरोध किए थे। दूसरी बातें, कुछ हमारे भारतीय थे जो जिन्होंने इसका समर्थन भी किया था, जैसे के एम मुंशी और दूसरा थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने तो यहाँ तक कह दिया था, हालांकि सरोजिनी नायडू के साथ साथ जो लॉर्ड इरविंग के कर्मचारी थे उसने भी कहा था, दोनों ने कहा था, सबसे पहले भारत की ओर से सरोजिनी नायडू और अंग्रेजों की तरफ जो लॉर्ड इरविंग के कर्मचारी थे उसने कहा था कि दो महात्माओं का मिलन है। जिससे आपसे पूछा जाएगा गांधी इरविंग समझौता के बारे में किसने कहा था कि दो महात्माओं का मिलन है, तो वह थे सरोजिनी नायडू। और हमारे के एम मुंशी ने भी कहा था कि गांधी इरविंग समझौता भारतीय संविधान के इतिहास में एक अनोखी पहल है, ये बातें कहे थे। दूसरी बातें कि उस समय गांधी जी और इरविंग में समझौता हुआ था तो समझौता का खास करके जो युवा कांग्रेस के लोग थे, युवा कांग्रेस छात्र वर्ग, युवा वर्ग, वो बहुत गांधी इरविंग समझौता के खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे, आप सब जानते हैं कि भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और वह किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बाहरों को ऊंचे आवाज में सुनाने के लिए, और उन्होंने समान तौर पर, वह एक छोटा सा अपराध था जिसको कि उस वक्त फांसी नहीं दी जा सकती थी, तो उनको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जोड़ दिया गया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। युवा वर्ग का कहना था कि आप गांधी इरविंग समझौता में भगत सिंह, राजगुरु और तीन व्यक्ति थे, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा से आप मुक्ति दिलाइए, लेकिन गांधी जी उनके इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिए जिसके चलते इन तीनों को फांसी दे दिया गया। हम लोग ये भी जाने कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी, ठीक, और कब दी गई थी। तीनों को फांसी यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत लाहौर जेल में दिया गया, और कब, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया, जिसके चलते युवा वर्ग में काफी आक्रोश था। ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि गांधी इरविंग समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, गांधी इरविंग समझौते को कांग्रेस का कराची में, दरअसल कराची अभी पाकिस्तान में है, कराची में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था मार्च 1931 में, और उसी अधिवेशन में गांधी इरविंग समझौते को स्वीकार कर लिया। ऐसे कराची अधिवेशन भारत के आर्थिक नीति के बारे में भी, मूल अधिकार का प्रस्ताव भी वहीं पारित कराची में ही पारित किया गया था, और उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी कराची अधिवेशन में आप एक शब्द जरूर सुने होइएगा, किसी सिनेमा के डायलॉग में भी दी गई है कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधी गई नहीं, लेकिन गांधी जी स्वयं बोले थे गांधी मर सकता है मगर गांधीवादी बाद नहीं, और यह बातें कहाँ कहा था, इसी कराची अधिवेशन में जब युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए विरोध जब उनके सामने किया था तो उसी पर उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकते हैं। और
ये वीडियो का मेरा तीसरा पार्ट ही समझौता हो गया। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन में। एक मैं बात स्पष्ट कर दूं, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये तीनों सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए थे, लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सेंट जेम्स पैलेस में, और तीसरा हुआ था डच डाउनिंग स्ट्रीट। महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, और गांधी जी वापस देश आए। जब वो 28 दिसंबर 1931 को जब वो देश वापस आए, तो फिर देश में आने के बाद वो वायसराय वेलिंगटन से मिलने के लिए गए। यहाँ पर एक दो महत्वपूर्ण बातें, जब आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए, उसके मुख्य कारण क्या था और तत्कालिक कारण क्या था, अलग अलग बातों को हम लोग समझें। दरअसल जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आए, तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुके थे। दूसरा कारण क्या था, जो गांधी इरविंग समझौता हुआ था वह वायसराय लॉर्ड विलिंगटन उसको लागू करना नहीं चाहता था। लॉर्ड इरविंग के बाद भारत के वायसराय विलिंगटन बन के आया, और विलिंगटन गांधी इरविंग समझौता को रद्दी की टोकरी में रख दिया, वह मानने से इनकार कर दिया, और गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुके थे। भारतीयों में रोष था, गांधी जी क्षुब्ध थे, और जब वो आए तत्कालिक कारण यह बना कि वायसराय विलिंगटन से ये मिलना चाहे, लेकिन विलिंगटन मिलने से इनकार कर दिया, और अंत में गांधी जी मजबूर होकर के उन्होंने 4 जनवरी 1932 को फिर से दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए, ठीक है। और जब वो प्रारंभ कर दिए, तो सरकार ने भी काफ़ी दमन नीति अपनाई और कांग्रेस को अवैधानिक घोषित कर दिया। कांग्रेस के ऊपर एक नया अध्यादेश जारी किया गया, भारतीयों को दमन रूप से गिरफ्तार करने लगा, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अंत में महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लिए। वापस का कारण क्या था कि आम लोगों में धीरे धीरे उत्साह घटती जा रही थी, ये वापसी का सबसे बड़ा कारण था। और उन्होंने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वापस ले लिया। जब वापस भी ले लिया, तो सबसे ज़्यादा उनके वापसी का विरोध किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। दूसरी बात है, अब यहीं से जब उन्होंने 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी यह इस आंदोलन को वापस कर दिए, और इसी आंदोलन के बाद कुछ दिनों तक वो कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम यानी कांग्रेस से अपने को दूरी बना लिए, और वो सामाजिक कामकाज में खास करके हरिजन के उद्धार कार्यक्रम में अपना समय व्यतीत किए। दोस्तों, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आज ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। मैं 3 पार्ट में इसको पूरा किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।